हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हमने कल तो एंड किया था मिक्सचर कंपाउंड का डिफरेंस हमने कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, हमारे पास साइंस में दो तरह के चेंज आएंगे, फिजिकल चेंज होते हैं, एक हमारे पास केमिकल चेंज होते हैं। इनको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, फिजिकली अगर हम बात करूँ तो हमारे पास जैसे हमारे पास क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस। मैंने किसी को आपको बोला कि हमारे पास कोई स्टूडेंट है, उसकी इतनी हाइट है, वो गोरा है, हमारे पास सांवला है, जो भी मतलब उसकी जो हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम कहाँ पे काउंट करते हैं, फिजिकल चेंज में काउंट करते हैं। और जहाँ उसकी प्रॉपर्टी हम बात करें, केमिकल चेंज, हमारे पास जहाँ उसका नेचर कैसा है, वो सब बातें हमारे पास किस में आती हैं, केमिकल में आती हैं। तो यहाँ इस चीज़ को हम थोड़ा लिंक करते हैं। तो हमारे पास फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा ये आएगा, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। पहले मैं आपको एग्जांपल लेके उसी से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास, मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, मेरे पास आइस है, ठीक है। आइस किस का फॉर्मूला क्या होता है, H2O ही बोलते हैं आइस को। हमारे पास आइस को मैंने हीट किया, वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, वाटर में। वाटर भी हमारे पास क्या है, H2O ही है। लेकिन जो आइस है हमारे पास, ये कैसी है, सॉलिड स्टेट में है, और वाटर हमारे पास कैसा है, लिक्विड स्टेट में है। तो हमारे पास क्या है, आइस को हीट किया, वाटर बन गया। तो हमारे पास कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, ये भी वाटर था हमारे पास, ये भी H2O है, ये भी H2O। हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली इनकी जो स्टेट है उसमें चेंज आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, इसमें हमारे पास क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, कोई नया सब्सटेंस बन के आएगा। दूसरी बात, इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी हमारे पास, जैसे मैंने क्या बोल दिया आपके पास, कोई भी आपके पास जैसे H2 है, H2 को मैंने O2 के साथ बर्न किया, तो आपको पता है यहाँ से क्या बनता है, वाटर बन जाता है। तो हमारे पास क्या हो गया, H2 हमारे पास एक अलग गैस थी, O2 हमारे पास एक अलग गैस थी, वाटर हमारे पास क्या बन गया, लिक्विड। मतलब मेन बात क्या है, दो चीज़ें कंबाइन हुई, उससे कोई नई ही चीज़ हमारे पास बन के आ रही। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, हमारे पास अगर और हम इसमें पॉइंट्स देखें हमारे पास, तो क्या आएगा, ये हमारे पास एक टेम्परेरी चेंज होता है, टेम्परेरी चेंज है हमारे पास, ठीक है। मतलब क्या है, आइस से मैंने वाटर बनाया, मैं वाटर को वापस से कूल करूंगा, वापस आइस बन जाएगी। हमारे पास कैसा है, ये टेम्परेरी, लेकिन हमारे पास ये कैसा होता है, परमानेंट है हमारे पास, विदाउट एनी केमिकल मेथड, इसको हम वापस नहीं ला सकते। हमारे पास ये कैसा मेथड हमारे पास आएगा, परमानेंट। अगला हमारे पास क्या है, ये होता है रिवर्सिबल, इनको हम रिवर्स कर सकते हैं, आइस से वाटर, वाटर से आइस, हमारे पास इसे चेंज कर सकते हैं। हमारे पास ये कैसे मिलेंगे आपको, इरिवर्सिबल, ये हमारे पास कैसे आएंगे, इरिवर्सिबल आएंगे। और हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास कंपोजिशन है बेसिकली, उसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो मास होगा, मास पे कोई भी चेंज नहीं आता, मास अल्टर नहीं करता है, कोई चेंज मास में नहीं आएगा। कब, हम जब हमारे पास कहीं भी कोई फिजिकल चेंज आएगा। मान लो आपके पास क्या है, 1 किलोग्राम हमारे पास आइस, हमारे पास क्या हो गया, उससे उतना ही वाटर निकल के आएगा हमारे पास। यहाँ हमारे पास क्या होता है, उसके मास ऑफ सब्सटेंस में चेंज आएगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे मास अल्टर चेंज नहीं करने वाला, यहाँ मास हमारे पास अल्टर करेगा। तो हमारे पास ये सारे क्या हैं, डिफरेंसेस हैं, इनके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप कोई भी देख लो, मैंने क्या कर दिया, मान लो बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, बताओ कौन सा चेंज हमारे पास, पेपर को आपने बर्न किया, उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, उसकी राख बन जाएगी, एस बन जाएगा। तो एस से तो हम वापस पेपर नहीं बना सकते हमारे पास, तो कैसा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। जिसको आप चेंज कर सकते हो, वापस रिवर्स कर सकते हो, वो तुम्हारे पास कैसा आएगा, फिजिकल। जिसको हम नहीं कर सकते, वो हमारे पास कैसा आएगा, केमिकल आएगा। तो हमारे पास ये फिजिकल और केमिकल, हमारे पास क्या था, डिफरेंस आ गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन, हमारे पास हम बात करेंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब हमारे पास क्या आएगा, एक सेम फेज मिलेगा आपके पास, किसका, ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। हमारे पास दो या दो ज्यादा कंपोनेंट्स हमारे पास आपस में मिक्स हो रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। मैंने सिंपल से एग्जांपल लिया, वाटर था, आपने उसमें सोल्ट डाल दिया, आपने उसमें शुगर डाल दी, उसमें आपने नींबू भी डाल दिया, गर्मियाँ चल रही हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, सिंपल सा, ये हमारे पास क्या बन गया, शिकंजी बन गई, नींबू पानी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर भी है, सोल्ट भी है, शुगर भी है, नींबू, हमारे पास क्या है, एक मिक्सचर हमारे पास सारा कैसा दिखेगा आपको, एक जैसा दिखेगा। इसमें हमारे पास क्या है, दो या दो से हमारे पास ज़्यादा क्या आ रहे हैं, इसमें कंपोनेंट, हमारे पास यहाँ पे कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं, 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक हमारे पास होता है सॉल्वेंट। तो ये आपने पढ़ा भी होगा। तो हमारे पास सॉल्यूट वो चीज़ होती है
जो मिलती है आपको लेस अमाउंट में, और हमारे पास सॉल्वेंट वो होता है जो हमारे पास किसमें मिलता है आपको लार्ज अमाउंट में। बिल्कुल सिंपल सी डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे यही आएगी, जो चीज़ आपको ज़्यादा मिल रही है, हमने ज़्यादा यूज़ की है उसको हम सॉल्वेंट बोल देंगे, जो हमने कम यूज़ की है उसको हम क्या बोल देंगे सोल्यूट। अब हमने जो ये आपके पास नींबू पानी बनाया था, इसमें हमारे पास क्या है, हमने मेन तो क्या यूज़ किया है, वाटर तो यूज़ किया है हमारे पास, तो वाटर हमारे पास यहाँ पे कैसे आएगा एज ए सॉल्वेंट आएगा, ये तीनों हमारे पास यहाँ पे कैसे हैं एज ए सोल्यूट आएंगे। तो हम इससे बात बोल सकते हैं कि सोल्वेंट हमेशा अकेला रहेगा, सोल्यूट हमारे पास एक दो तीन चार हमारे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर इतनी बात, सोल्वेंट हमेशा हमारे पास एक ही आएगा, मेजर आएगा, सोल्यूट हमारे पास वेरी कर सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, जो हमें पढ़ना है वो कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब क्या होता है, दो, मतलब हमारे पास जहाँ पे दो कंपोनेंट आए, दो कंपोनेंट का मतलब हमारे पास क्या हो गया, तो सोल्यूट आएगा, एक हमारे पास क्या आएगा सोलवेंट। जहां हमारे पास दो कंपोनेंट हैं जिनमें से एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है हमारे पास, मतलब क्या है, सोलवेंट यहाँ जैसे वाटर था हमारे पास, लेकिन सोल्यूट क्या था हमारे पास, यहाँ पे सोल्ट भी था, शुगर भी था, नींबू था, तो मैंने सिंपल हमारे पास ले लिया सोल्ट प्लस वाटर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर मेरा सोलवेंट है, सोल्ट मेरा क्या है सोल्यूट। तो हमारे पास जहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें आएंगी वही हमारे को पढ़ने हैं, वही हमारे सिलेबस में है, तो हमारे पास सिंपल सा क्या हो गया, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं हमारे पास। ठीक है, क्लियर ये बात। उसके बाद हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं, हमारे पास एक होते हैं आपके पास एक्वस सॉल्यूशन, ये हमें वर्ड लिखे मिलेंगे, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आपको सीधी बात पता है, कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं हमें सॉल्यूट चाहिए सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्यूट हम मोस्टली क्या लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा हम मोस्टली काउंट करते हैं वाटर होगा। वाटर बोलूँ या मैं क्या बोल दूँ, मोस्टली मतलब क्या है, वाटर नहीं होगा तो कोई ना कोई तो लिक्विड मिलेगा, हम लिक्विड में कोई चीज़ मिक्स कर सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जहाँ पे सॉल्यूट हमारे पास कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, सोल्यूट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सोलवेंट है हमारे पास, सोलवेंट हमेशा क्या आएगा, लिक्विड है, लिक्विड में क्या आएगा वाटर, हमने फिक्स कर दिया कि वाटर को हमें एज ए सोलवेंट लेना है, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वा सोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन जहां पे नॉन एक्वा सोल्यूशन आएगा वहां हमारे पास वही सेम सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सोलवेंट है हमारे पास वो हमें क्या करना है, वाटर नहीं लेना, वाटर के अलावा आप कोई भी लिक्विड यूज कर सकते हो, एनी लिक्विड अदर देन वाटर हमारे पास, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। मान लो मैंने क्या कर दिया, मैंने एल्कोहल लिया, एल्कोहल प्लस मैंने उसमें कोई साल्ट वगैरह कुछ भी ऐड कर दिया, तुम्हारे पास ये कैसा हो गया, नॉन एक्वस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एल्कोहल हमने एज ए सोलवेंट लिया है ना कि वाटर। मैंने यहाँ पे सोल्ट प्लस वाटर ले लिया, तुम्हारे पास ये कैसा हो गया, एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको यहां तक करना है, ठीक है, टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।